ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वो नहीं घटेगा। तो मुख्य रूप से जो बात है, एक तो लागत कम करना है, दूसरा जो हमारी पुरानी पद्धतियां हैं उनका। ऐसी परिस्थिति में यदि हम जल संरक्षण पर ध्यान दें, हम रीजन फॉर मेथड है या रेंज वंदन करता हूं। साथ में स्टेज पर उपस्थित हमारे सीनियर्स साइंटिस्ट और पाठक सर सभी को। तो हमारा अगला नाम है विजय शर्मा जी, सरली गांव माकड़ों। आपका शुभ नाम क्या है पूरा, और किस चीज़ के लिए आप देवास आए हैं, क्या उद्देश्य के लिए क्या पूरा कर रहे हैं? मैं सुरेश मोटवानी हूँ। हमारी जो संस्था है सोनी रेडिकार्ड, ये एक विश्व की संस्था है जिसमें कि हम लोग सोयाबीन का अच्छा प्रोडक्टिविटी उत्पादन का आंका है, इसके लिए छोटे किसानों के साथ काम करते हैं। आज ये एक बड़ा दिन है जिसमें कि सोपा के साथ में मिलकर हम लोग ये सोया महाकुंभ मना रहे हैं। यह महाकुंभ जो है पिछले 10 दिनों से अलग अलग जिलों में चल रहा था, अलग अलग जिलों में हम लोगों का जो सोया सप्ताह है वो मनाया जाके आज यहाँ पे हम लोग इतने सारे किसानों के साथ एकत्रित हुए हैं। इसमें सोयाबीन हमारे प्रदेश में, खासतौर से जो मध्य प्रदेश का जो देवास इंदौर अंचल है, उसमें किस तरह से अच्छी तरह से उगाई जा सकती है, उसको किस तरह से व्याधियों से बचाया जा सकता है। हम सुन रहे हैं पिछले 5-7 सालों से सोयाबीन लाभ का सौदा नहीं रहा है, अब उसके जो कारण है उसका निदान जरूरी है। अलग अलग तरह का तकनीकी उपलब्ध है, वो किसानों को मालूम होना चाहिए, कैसे बीज का नियोजन करना है, कैसे बुआई करना है, कैसे कटाई करना है, ये सभी पर्पज़ उद्देश्य है। इस तरह के कार्यक्रम में हम लोग किसानों को बता पाएँ, विशेषज्ञ उनको मार्गदर्शन दे पाए, ताकि किसान अपने खेती किसानी में ये जो उन्नत तकनीकी है उसको अपनाएं, अपने खेती से अधिक मुनाफा कमाए, वो उत्पादन के रूप में मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। सर, कितने किसानों को सम्मान करा आपने और आपके अतिथि का कौन कौन दे? आज के दिन हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश राज्य से सिलेक्टेड चुने हुए 21 किसानों का सम्मान किया, जो कि अपने अपने क्षेत्र में सोयाबीन को अच्छी तरह से उगा रहे हैं, अच्छी तकनीकी को अपना रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में जो देवास जिले के जो उपसंचालक कृषि महोदय हैं वो रहे हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक रहे हैं, साथ ही जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस और सोयाबीन रिसर्च सेंटर है वहाँ के भी सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ में रहे, साथ ही सोपा के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर पाटे साहब, वो भी हमारे बीच में रहे। सर, लगभग देवास से बात करें जिनसे कितने किसान की संख्या है, कितने किसान? आज इस कार्यक्रम में लगभग 1200 किसानों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो कि केवल देवास ही नहीं, देवास के आसपास के जो अन्य जिले हैं उज्जैन आगरा शाहजहांपुर वहाँ से भी आए। आपका परिचय सर? मैं सुरेश मोटवानी हूँ, सोनी रेडिकार्ड संस्था का जो मध्य प्रदेश क्षेत्र का कार्य है वो मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ अपनी संस्था के।